हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में, जिसको हम लोग बेसिकली रेफ्रिजरेशन साइकिल बोलते हैं। आइए देखते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल में कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, फिर इसका एप्लीकेशन क्या है और हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन बटन पर भी क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पे मैंने 3 लेवल दिया हुआ, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो आप उस हिसाब से आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फिर आपको जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, डिजाइन से रिलेटेड, तो मैं वहाँ पे प्रोवाइड कराऊँगा आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक मैंने यहाँ पे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल बनाया हुआ है, ठीक है। इसको आइए डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करने से पहले वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में बेसिकली 4 इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जो कि हम लोग मेन पार्ट्स बोलते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है। और इसके 4 इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला होता है कंप्रेसर, दूसरा होता है कंडेंसर, तीसरा होता है एक्सपेंशन डिवाइस और चौथा होता है इवेपोरेटर। तो ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये मैं मिटा दूंगा इसको, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते, एक एक पार्ट्स को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कंप्रेसर है। अब कंप्रेसर भी कई तरह का होता है। कंप्रेसर का 2 फंक्शन होता है, ठीक है। एक तो रेफ्रिजरेंट फ्लो क्रिएट करना और दूसरा होता है प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना, ठीक है। और इसके लिए हम डिफरेंट टाइप के कंप्रेसर यूज करते हैं, जिनका हम एक एक करके एक डेडिकेटेड वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम कैसे रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है देखते हैं। इसके लिए कंप्रेसर में एक क्रैंकशाफ्ट, यहाँ जैसे कि ये क्रैंकशाफ्ट आप देख रहे हैं, फिर एक कनेक्टिंग रॉड लगा होता है, ये क्रैंकशाफ्ट हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गया, फिर पिस्टन सिलेंडर बोर होता है, एक सिलेंडर होता है पूरा, और उसके बाद सक्शन वाल्व होता है, फिर डिस्चार्ज वाल्व होता है, और वाल्व प्लेट और सिलेंडर हेड होता है। तो ये हो गया कंप्रेसर के पार्ट्स होते हैं। अब कंप्रेसर कैसे वर्क करता है, जब क्रैंकशाफ्ट घूमता है तब पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ठीक है। ये पिस्टन नीचे की तरफ आता है, जिससे कि सक्शन स्ट्रोक बोलते हैं। जब पिस्टन नीचे के जब क्रैंकशाफ्ट घूमा, पिस्टन नीचे आया, तो इसे हम बोलेंगे सक्शन स्ट्रोक। अब सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है कि सिलेंडर बोर में वैक्यूम क्रिएट होता है। तो सिलेंडर बोर यहाँ पे, ये जो आपको स्पेस ये जो दिख रहा है, इसको सिलेंडर बोर कहते हैं। तो इसमें वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से क्या होता है कि सक्शन वाल्व नीचे डाउन हो जाता है। सक्शन वाल्व डाउन होने की वजह से जो एवोपरेटर में लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट होता है, वेपर रेफ्रिजरेंट, वो क्या होता है सिलेंडर बोर में आ जाता है। यहाँ पे जो भी वेपर रेफ्रिजरेंट है वो सक्शन वाल्व को नीचे की तरफ धकेल देगा, और धकेलने के बाद क्या होगा, वो यहाँ सिलेंडर बोर में इंटर कर गया। अब पिस्टन यहाँ पे नीचे आ गया ऑलरेडी, फिर क्रैंकशाफ्ट घूम रहा, पिस्टन जब ऊपर की तरफ गया, अब पिस्टन जब ऊपर जाएगा तो इसे हम लोग बोलेंगे कंप्रेस कर रहा है। जैसे यहाँ पे जो वेपर रेफ्रिजरेंट है उसको कंप्रेस कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होता है। यहाँ पे जैसे रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होता है तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बढ़ता है। और रेफ्रिजरेंट का प्रेशर जब बढ़ता है तो इसके वजह से यहाँ पे सक्शन वाल्व जो होता है, सक्शन वाल्व बंद हो जाता है और डिस्चार्ज वाल्व ओपन हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस कर देता है, और कंप्रेसर यहाँ से रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने के बाद भेज देता है कंडेंसर में। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये चीज़, ये है कंडेंसर, ये कंडेंसर है। अब कंडेंसर में भी मैंने 2 तरीके का दिखाया हुआ है, एक रेड कलर से, एक येलो कलर से, क्योंकि कंडेंसर के अंदर कंडेंसेशन होता है। और यहाँ पे कंडेंसर का जो मेन फंक्शन होता है, 2 फंक्शन होता है कंडेंसर का। एक तो होता है कि रेफ्रिजरेंट के गर्मी को बाहर निकालना, तो जो भी रेफ्रिजरेंट यहाँ हीट है उस हीट को रिजेक्ट करना एटमोसफेयर में, ठीक है। हीट को यहाँ पे क्या कर रहा है, हीट को
रिजेक्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर में, और दूसरा क्या है कि वेपर रेफ्रिजरेंट को जो भी यहाँ पे हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट है उसको लिक्विड रेफ्रिजरेंट में चेंज कर देता है। ठीक है, तो कंप्रेसर से हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में आता है, और कंडेंसर में आए रेफ्रिजरेंट का प्रेशर एंड टेम्परेचर बाहर के इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा होता है, और पाइप के अंदर का टेम्परेचर हाई होता है, जिसके वजह से हाई टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से वेपर रेफ्रिजरेंट लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर रीजन में फ्लो करता है। तो यहाँ पे कॉइल में, कंडेंसर कॉइल में रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर हाई है और बाहर का टेम्परेचर लो है, तो यहाँ से टेम्परेचर जो फ्लो हो रहा है वो इन्वायरमेंट में हो रहा है लो टेम्परेचर रीजन में, और इस काम को करने के लिए कंडेंसर में एक फ़ैन लगा होता है, कंडेंसर के पीछे एक फ़ैन लगा होता है। ठीक है, वो फ़ैन क्या करता है कि बाहर के हवा को कंडेंसर के कॉइल से होकर गुजारता है, इस कॉइल से होकर फ़ैन हवा को मारता है कॉइल के ऊपर, जिससे कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन आप जानते हैं कि वेपर लिक्विड में चेंज हो जाता है कंडेंसेशन प्रोसेस में, और वेपर रेफ्रिजरेंट लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो आपका कंप्रेसर के बाद जो वेपर रेफ्रिजरेंट आ रहा है वो कंडेंसर के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो कहाँ, ड्रायर से होकर गुजरता है, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं ड्रायर। ठीक है, ड्रायर बोलते हैं, और ड्रायर का भी दो फंक्शन होता है, एक तो रेफ्रिजरेंट को फिल्टर करना और दूसरा रेफ्रिजरेंट में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। रेफ्रिजरेंट, अब ड्रायर में भी क्या होता है, एक तो इसके अंदर फिल्टर लगा होता है, ठीक है, ड्रायर के अंदर फिल्टर होता है, और दूसरा सिलिका जेल होता है। तो इस देखते हैं फिल्टर कैसे काम करता है। रेफ्रिजरेंट जब फिल्टर से होकर जाता है तो रेफ्रिजरेंट का कचरा अलग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर क्या करता है, रेफ्रिजरेंट में जो भी डस्ट वगैरह है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है उस डस्ट को, उसके बाद रेफ्रिजरेंट सिलिका जेल से होके जाता है। सिलिका जेल से होके जाने की वजह से जो भी रेफ्रिजरेंट में जो भी मॉइस्चर है उस मॉइस्चर को सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि सिलिका जेल का प्रॉपर्टीज है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। इस तरीके से क्लीन और मॉइस्चर फ्री रेफ्रिजरेंट कहाँ से होकर गुजरता है, एक्सपेंशन डिवाइस से। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन डिवाइस। अब एक्सपेंशन डिवाइस भी कई तरीके का होता है, थर्मल एक्सपेंशन डिवाइस होता है, कैपिलरी ट्यूब होता है, तो इसका भी हम लोग एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में अलग अलग। फिलहाल इस वीडियो में हम फंक्शन को देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, एक्सपेंशन डिवाइस का। तो एक्सपेंशन डिवाइस का काम है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कम करना। जो भी रेफ्रिजरेंट आ रहा है यहाँ पे हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर लिक्विड यहाँ पे आ रहा है, उस लिक्विड को लिक्विड के प्रेशर को क्या करेगा कि एक्सपेंशन डिवाइस से जैसे होके गुजरेगा उसके प्रेशर को कम कर देगा। और रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कम करने के लिए क्या होता है कि एक्सपेंशन डिवाइस में एक छोटा सा छेद होता है, जब उस छेद से रेफ्रिजरेंट पास होता है तो एक रजिस्टेंस ऑफर होने की वजह से रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से रेफ्रिजरेंट आ रहा है, अब यहाँ पे पाइप का डायमीटर मेरा ज़्यादा है, और अचानक से कैपिलरी ट्यूब में आने के बाद इसका डायमीटर काफ़ी कम होता है, लेस डायमीटर, इसके मुकाबले इसका डायमीटर लेस होता है, जिससे कि इसका प्रेशर डाउन हो जाता है। रेफ्रिजरेंट का प्रेशर यहाँ पे एक्सपेंशन डिवाइस में मेरा डाउन हो गया। इसके बाद लो टेम्परेचर और लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट आगे जाता है एवोपरेटर में। यहाँ से जो जो रेफ्रिजरेंट निकलेगा वो कहाँ जाएगा, एवोपरेटर में। तो वो एवोपरेटर में जो रेफ्रिजरेंट आएगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है, उसके बाद एवोपरेटर में आ गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका पूरा क्या दिख रहा है, एवोपरेटर दिख रहा है, जो कि कंप्रेसर के सक्शन तक जा रहा है। अब एवोपरेटर का भी दो काम होता है, पहला काम क्या होता है कि बाहर की गर्मी को एब्जॉर्ब करना। अगर रूम के मुकाबले अगर देखा जाए तो एवोपरेटर का टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, और काफ़ी लो टेम्परेचर होने की वजह से वो बाहर की गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और सेकेंड है कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट को
वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट कर देता है। तो अब इसके लिए ये कैसे काम करता है ये देखते हैं। इवेपोरेटर में आने वाला लो प्रेशर और लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है, ठीक है। लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ तक आ गया, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से कम होने के कारण बाहर की हीट इवेपोरेटर कॉइल में चला जाता है। जैसे कि मैंने बताया यहाँ का इवेपोरेटर का टेम्परेचर यहाँ सराउंडिंग टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर से काफ़ी लो है, ठीक है। अब लो टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ का हीट जो है इवेपोरेटर में चला जाता है। अब इस काम को करने के लिए जैसे कि यहाँ पे कंडेंसर में भी एक फ़ैन लगा हुआ था, वैसे इवेपोरेटर में भी रूम में एक फ़ैन लगा होता है इवेपोरेटर में, जो कि रूम के एयर को इवेपोरेटर की कॉइल से होकर गुजारता है। अब जैसे इवेपोरेटर कॉइल से होकर गुजरता है तो इस वजह से क्या हो जाता है कि बाहर रूम में कूलिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि रूम का जो जो हीट है वो तो इवेपोरेटर एब्जॉर्ब कर लिया। अब यहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो जाता है जिससे कूलिंग इफेक्ट क्रिएट हो गया। जब रेफ्रिजरेंट बाहर की गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो रेफ्रिजरेंट उबलने लगता है, ठीक है। अब जैसे रूम की गर्मी को इवेपोरेटर कॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया, अब एब्जॉर्ब कर लिया, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेंट था लिक्विड रेफ्रिजरेंट वो बॉयल होने लगता है। अब बॉयल होने की वजह से वो धीरे धीरे वेपर में चेंज होने लगता है और इवेपोरेटर कॉइल के लास्ट तक आते आते वो कम्प्लीटली वेपर में चेंज हो जाता है। इस तरीके से ये साइकिल लगातार चलते रहता है, ठीक है। और इसी साइकिल को हम लोग वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल बोलते हैं। उसके बाद इवेपोरेटर से आने के बाद यहाँ पे एक क्या होता है कि यहाँ पे एक एक्यूमुलेटर लगा होता है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे आपको मिलेगा एक एक्यूमुलेटर बोलते हैं। और अब एक्यूमुलेटर का क्या फंक्शन है, एक्यूमुलेटर का फंक्शन ये है कि जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो यहाँ पे लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो वेपर में चेंज हो गया, ठीक है। अब वेपर में चेंज होने के बाद अगर कभी कभी क्या होता है कि कम्प्लीटली वेपर में चेंज नहीं होता है, अगर आपका 95% और 5% का रेशियो होगा, मीन्स 95% अगर वेपर में चेंज होता है तो 5% लिक्विड बच जाएगा। अब लिक्विड वो 5% जो लिक्विड है वो एक्यूमुलेटर में चला जाता है। अब एक्यूमुलेटर एक हीटिंग एलिमेंट के जैसा काम करता है, वो क्या करता है कि इस 5% वाले लिक्विड रेफ्रिजरेंट को फिर से हीट करता है और हीट करने के बाद कंप्रेसर में भेज देता है। क्योंकि मान लीजिए अगर लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में चला जाए तो, क्योंकि अब मान लीजिए वाटर चला गया कंप्रेसर में जो कि कंप्रेसर वाल्व के साथ मिक्स हो जाएगा, कंप्रेसर वाल्व के साथ जब मिक्स हो जाएगा तो लुब्रिकेंट जो वाल्व था वो उसका थिकनेस कम हो जाएगा और थिकनेस कम होने की वजह से कंप्रेसर के अंदर एक हीटिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, जैसे कैसे बोलते हैं फ्रिक्शन की वजह से, तो कंप्रेसर का जलने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से एक्यूमुलेटर लगा होता है, तो एक्यूमुलेटर उस लिक्विड रेफ्रिजरेंट को फिर से वेपर में कन्वर्ट करके कंप्रेसर को दे देता है और ये साइकिल लगातार चलते रहता है। और इस साइकिल का जैसे क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल इसका मेन एप्लीकेशन जैसे विंडो एसी हो गया, पैकेज एसी हो गया, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग, सिंगल डोर रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेटर जो होता है, डबल डोर रेफ्रिजरेटर, या फिर आइस प्लांट हो गया, या फिर कोल्ड स्टोरेज में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।